हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले, ये हमारा टी सेक्शन के ऊपर में बेस्ट न्यूमेरिकल है। इसमें देखते हैं क्या गिवन है। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, अज्यूम टॉप फ्लेंज। तो टॉप फ्लेंज जो है उसका डायमेंशन हमको दिया हुआ है, वो है 180 by 12 mm, वर्टिकल 150 by 18 mm ये दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, अबाउट इट सेंट्रोइडल एक्सिस। मतलब कि दो चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, एक हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कि IXX, IYY ये कैलकुलेट करना है, और दूसरी चीज़ ये बोला है इसने रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हम लोग KXX और KYY ये दो टर्म जो है वो कैलकुलेट करना है हमको। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब कि IXX और IYY कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। जैसे इसने बोला है हमको कि टॉप फ्लेंज दिया हुआ है और दिया है हमको वेब, वर्टिकल मतलब कि वेब दिया है, मतलब कि ये टी सेक्शन है, ठीक है। तो टी सेक्शन है तो पहले इसका डायग्राम प्लॉट कर लेंगे हम लोग टी सेक्शन का। ये हो गया इसका टॉप फ्लेंज और ये जो पोर्शन है वेब का पोर्शन, वर्टिकल पोर्शन, ये हो गया। देन इसके बाद में इसके डायमेंशन मार्क कर लेते, ये हम लोग फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकंड। टॉप फ्लेंज है 180 12, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा 180 mm, और इसके डेप्थ है 12 mm, तो ये डेप्थ ले लेंगे हम लोग 12 mm का डेप्थ। देन वर्टिकल, वर्टिकल है 150 by 18, तो ये 150 है, बड़ा डायमेंशन 150 mm, और 18 mm थिकनेस, 18 mm थिकनेस, ठीक है। तो ये हो गया। देन इसके बाद लिख लेंगे जो जो डायमेंशन यहाँ पर दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं। मतलब ये फर्स्ट सेक्शन है तो इसका B1 हो जाएगा 18 mm, और D1 हो जाएगा 150 mm। देन उसके बाद में B2 हो जाएगा हमारा 180 mm, एंड D2 इज 12 mm। देन इसके बाद में क्या करना है हमको, सबसे पहला काम देखना है कौन से एक्सिस पे ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो सिमिलर वैसी ये आई सेक्शन की तरह, यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको कट करता हूँ तो देखिए ये जो हमारा एक्सिस है ये वाई एक्सिस, तो सिमेट्रिकल वाई एक्सिस को है, ये भी वाई एक्सिस हो गया सेक्शन का, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल है और देखिए आधा पोर्शन इधर नजर आ रहा है, आधा पोर्शन इधर, ठीक है, तो सिमेट्रिकली ये कट हो जाएगा। अगर ऐसे देखते हैं इसको ये एक्सिस पे, ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा पोर्शन है फ्लेंच का और यहाँ पे खाली वेव का पोर्शन है, वो अनसिमेट्रिकल है। लेकिन YY एक्सिस पे ये सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स बार जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर वन में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर वन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्स बार, कैपिटल एक्स बार, ठीक है। तो कैपिटल एक्स बार कितना हो जाएगा हमारा, तो सबसे बड़ा डायमेंशन देखो 180 mm है, उसका हाफ 180 / 2, सो इट विल बिकम 90 mm। तो एक्स बार डायरेक्टली हमने कैलकुलेट कर लिया, वो है हमारा 90 mm, ठीक है। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, स्टेप नंबर टू लेना है, ठीक है। स्टेप नंबर टू में हमने एरिया कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पर भी दो सेक्शन से दोनों सेक्शन का एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले A1 कैलकुलेट करेंगे एरिया, A1 देखिए A1 कितना हो जाएगा इसका, तो ये डायमेंशन है इसका B वाला 18 मल्टीप्लाइड बाय A2 का, A1 का डायमेंशन 18 by 150, तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 150 करेंगे, उसका आंसर आता है हमारा 2700 mm², ठीक है। देन उसके बाद में कैलकुलेट करना है हमको A2 एरिया ऑफ सेक्शन 2 ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा 180 मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ इज 12 mm, इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आता है 2160
mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने A1 एंड A2 ये दोनों जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, देन स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में क्या कैलकुलेट करना है हमको वो देख लेते हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, तो इसमें हमने कैलकुलेट किया था Y1, Y2 एंड Y3। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं Y1 बार, Y2 बार एंड Y3 बार। ठीक है, सो पहले सबसे पहले Y1 बार, ठीक है सॉरी Y3 नहीं आएगा यहाँ पर, दो ही है। ठीक है, तो Y1 एंड Y2 ये दो आएंगे क्योंकि डी सेक्शन है। आई सेक्शन में हमने 3 लिया था, यहाँ पर 2 ही लेना है क्योंकि 2 ही सेक्शन है यहाँ। तो यहाँ पे Y1 एंड Y2 ये दो हमको कैलकुलेट करना है। तो Y1 ले लेंगे सबसे पहले। अब देखिए Y1 मतलब कि इसका CG ये एक्सिस से कहाँ पर लाई कर रहा, ये जो डिस्टेंस रहेगा हमारा ये रहेगा Y1 बार। ठीक है, तो Y1 बार, तो Y1 बार देखिए कितना हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बिकम 75 mm। देन उसके बाद में कैलकुलेट करना है हमको Y2 बार। ठीक है, तो Y2 बार तो मैंने बताया था कि ये एक्सिस से डिस्टेंस लेना है कि यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा हमारा ये डिस्टेंस रहेगा Y2 बार। ठीक है, तो जिसका निकाल रहे हैं हम लोग सेक्शन 2 का निकाल रहे हैं, तो उसका CG लेना है, मतलब कि 12 डिवाइडेड बाय 2 कर देना है हमको, 12 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से एक्सिस तक का डिस्टेंस जो है वो ऐड कर देना है। तो ये 150 ऐड करेंगे हम लोग, यहाँ पर 150 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा 156 mm। ठीक है, तो यहाँ से Y1 और Y2 ये दोनों की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली, वो आ गया हमारा 75 mm एंड 156 mm। ठीक है, देन उसके बाद में क्या करना है हमको, स्टेप नंबर फोर में हमको Y बार, पूरे सेक्शन का CG कहाँ पे लाई कर रहा वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो Y बार, कैपिटल Y बार, उसके लिए फार्मूला A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो Y बार इज इक्वल टू A1 की वैल्यू पुट अप कर देंगे, A1 की वैल्यू है हमारी 2700 मल्टीप्लाइड बाय Y1 बार इज 75 प्लस A2 की वैल्यू है 2160, ये पुट अप करेंगे 2160 मल्टीप्लाइड बाय Y2 है हमारा 156 mm डिवाइडेड बाय 2700 प्लस A2 इज 2160। ठीक है, तो यहाँ से Y बार कैलकुलेट कर लेंगे, वो आता है हमारा 111 mm। ठीक है, तो यहाँ से हमने Y बार जो है वो कैलकुलेट कर लिया, उसकी वैल्यू आती है 111 mm। देन उसके बाद में स्टेप नंबर फाइव में हमको H1 और H2 ये कितना है ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो H1 इज इक्वल टू, ठीक है अभी H1 कैलकुलेट करना है, तो H1 कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था, तो Y बार को Y1 से माइनस, ठीक है Y बार माइनस Y1 किया था अगर Y बार बड़ा है तो, और अगर Y2 बार बड़ा है तो Y2 बार माइनस कैपिटल Y ये करना है हमको। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू फर्स्ट लेना है और सेकंड में छोटी वैल्यू लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 111 है, तो 111 ले लेंगे माइनस Y1 इज 75, सो 111 माइनस 75 तो आता है हमारा 36 mm। देन उसके बाद में निकालना है हमको H2, H2 हो जाएगा हमारा, देखिए ये वैल्यू बड़ी है Y2 की 156, तो 156 ले लेंगे माइनस 156 माइनस 111। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 45 mm। ठीक है, तो H1 और H2 वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है हमने। अब उसके बाद में क्या करना है हमको, स्टेप नंबर सिक्स में हमको कैलकुलेट करना है IXX, कैपिटल IXX कितना है। ठीक है, तो IXX उसके लिए हमारा फॉर्मूला है सेक्शन 1 के लिए BD³ डिवाइडेड बाय
12 b1 d1 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस a1 h1 स्क्वायर प्लस b2 d2 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस a2 h2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज पुट अप करेंगे, हमारे पास में बी डी इसकी वैल्यू है, एरिया भी निकाल लिया है, एच भी कैलकुलेट कर लिया है, ये सब वैल्यूज हम लोग सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए पुट अप करेंगे और यहाँ से जो है आई एक्स एक्स हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप आई एक्स एक्स। सो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पुट अप कर लेते हैं b1 की वैल्यू कितनी है 18। ठीक है, तो यहाँ 18 ले लेंगे हम लोग, 18 मल्टीप्लाइड बाय d1 इज 150 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस a1 है हमारा 2700 इंटू h1 स्क्वायर, h1 इज 36 स्क्वायर, देन उसके बाद में सेकेंड प्लस a2 का ले लेंगे हम लोग b2 की वैल्यू है हमारी 180 इंटू d2 इज 12 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया 2160 इंटू 45, हाइट जो आई है हमारी h2 वो है 45 का स्क्वायर। ठीक है, 45 स्क्वायर। ठीक है, इसको कैल्सियम में कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से IXX की जो वैल्यू है वो IXX की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो IXX की वैल्यू आती है 12.96 × 10⁶ mm to the power 4। ठीक है, ये हमारी होगी IXX की वैल्यू। देन इसके बाद में क्या करना है हमको, IYY जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो IYY कैलकुलेट कर लेते हैं स्टेप नंबर सेवन IYY कितना है, IYY इसको वॉट। ठीक है, तो IYY का फार्मूला IYY इज इक्वल टू, तो इसमें क्या हो जाएगा फार्मूला, d1 b1 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस d2 b2 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, यहाँ पे पुट अप करेंगे और इसका आंसर जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पुट अप करने के बाद में ये वैल्यू बन जाती है इसकी 150 इंटू 18 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस इंटू 180 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और यहां से जो है IYY की वैल्यू जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कैल्सियम पुट अप करना है इसको और इसका आंसर निकाल लेना है कितना आता है। ठीक है, पुट अप करने के बाद आंसर जो आता है वो है 5.9 × 10⁶ 5.9 × 10⁶ mm टू द पावर 4। ठीक है, ये हमारा IYY हो गया। ठीक है, प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। अब देखिए यहाँ पर चेंजेस एक है वेरिएशन, वो है रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 8 में कैलकुलेट कर लेते हैं उसको। स्टेप नंबर एट रेडियस ऑफ गायरेशन, तो रेडियस ऑफ गायरेशन अलोंग एक्स एक्स के लिए के एक्स एक्स इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला है अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, अब देखो एक्स का निकाल रहे अपन, तो के एक्स एक्स लेना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर लेना पड़ेगा हमको आई एक्स एक्स और टोटल एरिया इट मीन्स a1 प्लस a2, एरिया ऑफ सेक्शन 1 एंड एरिया ऑफ सेक्शन 2। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेंगे
और हमको दूसरा कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर, के वाई वाई हो जाएगा हमारा अंडर रूट आई वाई वाई डिवाइडेड बाय ए वन प्लस ए टू। ठीक है, तो ये फार्मूले में पुटअप करेंगे वैल्यूज जो ये कैलकुलेट किए और इसका आंसर जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं कि एक्स एक्स की वैल्यू अंडर रूट ऑफ आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स है हमारा 12.96 इंटू 10^6 डिवाइडेड बाय ए वन, ए वन है हमारा 2700, ए टू 2160, 2700 प्लस ए टू इज 2160। ठीक है, देन यहाँ भी पुट अप कर देंगे इसको, आई वाई वाई की वैल्यू है हमारी 5.9 इंटू 10^6 डिवाइडेड बाय ए वन, ए वन इज 2700 प्लस 2160। ठीक है, ये पुट अप कर दिया। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे के एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो आती है 51.64 mm, के एक्स एक्स इज इक्वल टू 51.64 mm। ठीक है, देन उसके बाद में हमको पुटअप करना है के वाई वाई, वो कैलकुलेट करना है, तो के वाई वाई की वैल्यू आती है 34.84 mm। ठीक है, सो यहाँ से के वाई वाई की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो गई हमारी। ठीक है, तो ऐसे ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है हमको। यहाँ पर देखो, ये न्यूमेरिकल में जो है हमको टी सेक्शन न्यूमेरिकल गिवन था। ठीक है, टी सेक्शन के हमने फ्लेंज मार्क कर लिया, उसके बाद में जो उसकी वेब है वो हमने मार्क कर ली। ठीक है, वर्टिकल के नाम से यहाँ पर दिया था, कहीं हो सकता है वर्टिकल कहीं वेब वर्ड यूज़ करें। ठीक है, तो हमको समझ लेना है कि दो सेक्शंस दिए, मतलब टी सेक्शन है यहाँ पर। ठीक है, देन पुटअप कर लिया, स्टेप नंबर वन में एरिया कैलकुलेट किया, ए वन ए टू रेक्टेंगुलर सेक्शन है, बी इंटू डी यूज़ किया है और ए वन और ए टू कैलकुलेट किया है। देन उसके बाद में वाई वन और वाई टू ये कैलकुलेट करना है कि उसका सी जी कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये सेक्शन का सी जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो वाई वन निकाल लिया हमने, देन उसके बाद में वाई टू कैलकुलेट कर लिया है सेक्शन टू का, देन वाई बार कैलकुलेट किया है, ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू, ये फार्मूला यूज़ किया है, वाई बार यहाँ से कैलकुलेट किया है वो है 111 mm, उतना आ गया हमारा। देन उसके बाद में एच वन एंड एच टू कैलकुलेट किया है, तो उसके लिए क्या किया है, वाई बार माइनस वाई वन देन वाई टू बार माइनस वाई, ये करके हमने एच वन और एच टू जो है वो कैलकुलेट कर लिया। देन आई एक्स एक्स बी डी क्यू बाई 12 प्लस ए एस स्क्वेयर, ये फार्मूला यूज़ करके आई एक्स एक्स जो है वो हमने निकाल लिया। देन उसके बाद में आई वाई वाई निकालना है हमको, डी बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12 पुटअप करना है और वहाँ से आई वाई वाई निकाल लिया। देन उसके बाद वेरिएशन था रेडियस ऑफ गायरेशन का, तो वो है हमारा अंडर रूट आई बाई ए, ये उसका फार्मूला है। तो आई के एक्स एक्स निकाल रहे, तो आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू, और के वाई वाई निकाल रहे हैं हम लोग, तो आई वाई वाई डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू यूज़ करना है और के वाई वाई कैलकुलेट करना है, वो आता है हमारा 34.84 mm। ठीक है, तो टी सेक्शन न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना है हमको तो इतने स्टेप्स जो है वो फाइंड आउट करना है। अगर वहाँ पे बोला है हमको कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो कैलकुलेट करो, तो हमको उसको कैलकुलेट करना है।